हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां चुनावी मैदान में उतरे सभी दिग्गजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जो अपनी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहां से बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे तरुण जैन को भी जनता का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। हाल ही में उन्हें चुनाव चिन्ह बिजली का खंभा मिला है, जिसे देखकर वो काफी खुश नजर आए। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये बिजली का खंभा भ्रष्टाचार के अंधेरे को दूर कर खुशहाली का उजाला फैलाएगा। वहीं तरुण जैन ने चुनाव न लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि जनता से मिल रहे अपार समर्थन, कार्यकर्ताओं और मित्रों के प्रोत्साहन के चलते वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद हिसार के हालात को सुधारने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। अब जो युवा साथी है, हमारे युवा पीढ़ी है, वो उसमें बदलाव चाहता है। युवा साथी चाहता है कि जो नई ऊर्जा, नई रोशनी के साथ हमारा हिसार का जो भी दायित्व संभाले, वो नई ऊर्जा और नई रोशनी के साथ संभाले। इसलिए शायद भगवान ने हमारे को ये इलेक्ट्रिक पोल और ये स्ट्रीट लाइट का जो चुनाव चिन्ह दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम नई ऊर्जा के साथ और रोशनी के साथ इस हिसार का, हिसार के लिए और हिसार के लोगों के लिए काम कर सकें। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे सावित्री जिंदल जी चुनाव लड़ रही है, कमल गुप्ता जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, गौतम सरदाना जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं अपना अपना, राणा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, तो सब चुनाव लड़ रहे हैं। वो दोनों पार्टी से लड़ रहे हैं, कमल गुप्ता जी और राणा जी, और हम तीनों निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो जनता के सामने हमने सच्चाई रखनी पड़ी। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जिंदल हाउस को कुछ अच्छा, उनके लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो मेरे शब्दों का शायद उनको पसंद नहीं आया होगा। तो मैं उसके लिए एक ये कहना चाहता हूँ कि मैं, कोई मेरी इंटेंशन नहीं है कोई इस तरह की कि मैं उनके लिए कोई ऐसे अपशब्द बोलूँ, और मैंने अपशब्द कोई बोले भी नहीं है। जो सच्चाई है, जो जनता बोलती है, मैंने वही बात बोली है कि माता सावित्री जिंदल जी की अब उम्र हो गई है, और वो कहीं ना कहीं जो बात बोलते हैं कि भाई हम हिसार की सेवा करना चाहते हैं, हिसार की सेवा करने के लिए यही बात मैंने बोली थी कि उनको और उनके परिवार को हिसार में रहना पड़ेगा, हिसार के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। तो ये बात सच है, सभी हिसार वासियों को, मेरी जनता को पता है कि मेरा एक ही घर है, सेक्टर 13 में मेरा घर है, सेक्टर 13 में मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पे ऑफिस में मिलूँगा या घर पे मिलूँगा, घर ऑफिस आमने सामने है मेरे, दोनों चीज़। तो आने वाले समय में हिसार की जनता का जो सबसे बड़ा एक दिक्कत वाला काम है, जो हिसार की जनता समझती है कि जो भी विधायक बनता है, जिसको हिसार की जनता आशीर्वाद प्यार देती है, वो फिर कहीं दूर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी हिसार की जनता के सामने, और मैं इसी मुद्दे के ऊपर ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कोई बहुत बड़े मुद्दे या बहुत बड़े सपने नहीं दिखा के हम बात कर रहे चुनाव में जा रहे, हम सिर्फ यही मुद्दे है कि हम 2400 घंटे जनता के बीच में रहेंगे, और 2400 घंटे हम जनता की समस्याओं को सुन के उसका हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर समस्याओं को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उनका हल कैसे करेंगे? आप उनके बीच में होंगे नहीं, आपके बीच में कोई पीए होगा, आपके बीच में कोई बिचौलिया होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी बात कुछ कहता है आदमी और आगे कुछ और जाती है। तो मेरे पास कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना मेरा कोई घर है कोई, ना कोई मेरा महल है, मैं सिंपल आप लोगों के बीच में से, हिसार की जनता में से एक उन्हीं का भाई, उन्हीं का बच्चा चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरा चुनाव चिन्ह आज आ गया है। और मैं एक प्रार्थना और करूँगा आप लोगों के माध्यम से, मेरे ऊपर जिंदल परिवार ने जितना प्रेशर पिछले 4 दिनों में बनाया है, मैं उनसे हाथ जोड़ के इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पे और प्रेशर ना डाले, क्योंकि मैं और मेरे साथी भी पहले 2-3 बारी माताजी से आशीर्वाद लेने गए हैं हम सब लोग, कि आप और मेरे, एक बारी फिर मेरे पिताजी भी मेरे साथ गए हैं, और हमने उनको नॉमिनेशन से पहले ये बात बोली थी कि भाई आप अगर चुनाव लड़ते हो तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। 9 तारीख को भी नहीं दिया, 10 तारीख को भी नहीं दिया, 11 तारीख को भी कोई हमारे को जवाब नहीं दिया, 12 तारीख को उन्होंने हमारे से बिना पूछे अपना नॉमिनेशन कर दिया। और हमारी ये बात वो रखी थी हमारे सब साथियों की, मेरे पिताजी की, कि अगर आज भी सावित्री जिंदल जी मेरे को 12 तारीख को अपने नॉमिनेशन में साथ ले जाती है तो मैं सावित्री जिंदल जी का समर्थन करूँगा। लेकिन उन्होंने 12 तारीख को भी मुझे याद करने की कोशिश नहीं समझी।
अब जब हम इतना आगे चुनाव आ गए हैं, इतने मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार, मेरे सभी हिसार की जनता का जो मुझे प्यार मिल रहा है, हम चुनाव में इतनी आगे आ गए हैं कि अब हम हमारे भी एक हमारी भी एक आत्मसम्मान है, हमारा भी, हमारे लोगों का, हमारे साथियों का, हमारे रिश्तेदारों का, सबका एक आत्मसम्मान है। और हिसार की जनता भी यही कहती है कि माता जी को अब तरुण को आशीर्वाद देना चाहिए और तरुण जैन को ही आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उनसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी उन्हीं का बच्चा हूँ और मुझे आशीर्वाद दे और आगे बढ़ के मेरे को आशीर्वाद दे। वहीं तरुण जैन ने पत्रकारों के समक्ष अपनी भावी योजनाओं और विचारधारा को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन पर चुनाव न लड़ने के लिए कई तरह से दबाव बनाए गए, लेकिन जनता के हितों के लिए वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग जनता पर हावी हो जाएंगे। इसीलिए शहरवासियों का कर्तव्य बनता है कि वो सही उम्मीदवार को चुने और सहयोग करते हुए उसे विजयी बनाए। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।